द्वादशी शुक्रवार का पंचांग आपको हो जाएगा 27 नवंबर का, यानी कि द्वादशी उदया तिथि लेकर के आपको दो दिन का मान हो गया, मान एक तिथि आपका बढ़ गया। तो द्वादशी शुक्रवार का मान आपको सुबह में 8:15 बजे समाप्त हो जाएगा, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र शाम को रात को 1:21 तक दे रहा है, यानी कि 27 का नक्षत्र योग हो गया। व्यतिपात योग भी अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि दिन में लगभग 10:27 में समाप्त हो जाएगा। वज्र योग भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य के लिए अच्छा भी होता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग योग जो है सो हो जाता है, किसी को भंता बैरी किसी को पंथ, माने अपना काम के अनुसार योग जो है सो सब सही है, लेकिन अपना अपना काम के लिए किसी के लिए खराब होता है तो किसी के लिए अच्छा हो जाता है। तो प्रदोष व्रत आज हो गया, प्रदोष व्रत आपको शिव जी का प्रदोष व्रत होता है, इसमें उपवास रहना है या फल फूल रह सकते हैं, और आपको शिव जी की पूजा करना रहता है। इस विशेष करके संतान के लिए, संतान जिनको ना है वो करें, या जिनको संतान है तो संतान की उन्नति बढ़ंती के लिए आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, बस शिव जी की पूजा करना है और जो सामान्य व्रत का जो नियम है वो पालन कर लेना है। स्वार्थ सिद्धि योग आपको रात के 1:21 तक रह जाएगा, रवि योग भी आपको उसी समय तक रह जाएगा, यानी सर्व दोष हरंती, में सब दोष को सही करता है, यदि कुछ गलत भी तो सही हो जाता है, यानी कि इसमें शुभ काम अच्छे किए जा सकते हैं। मृत्यु बाण जो है सो आपको 2:54 तक दिन में दे रहा है। तो आज का पंचांग आपको हो गया। जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।